टफ था बट हो गया। अमीर बच्चे एग्जाम खत्म होते हैं आइसक्रीम खा रहे हैं। आ जाएंगे 60-70। सो हे वेलकम बैक टू द वीडियो गाइज, मैं हूं संदीप मिश्रा, मेरे चैनल चंडीगढ़ वाला में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज वहां पे खड़ा हूं ना जहां से मेरी ना जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हे मैंने बिताए हैं, ठीक है, कि आज भी मैं सोचता हूं कि भाई जिंदगी खराब कर ली है, इसे दोबारा स्टार्ट कर लिया जाए। तो ये है वो मेरा स्कूल, ठीक है, 10 मॉडल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 चंडीगढ़ में जो पढ़ता है, ठीक है। आज हम आ रखे हैं यहाँ पे बच्चों का एग्जाम का रिव्यू लेने के लिए। आई थिंक 10th का एग्जाम है आज और साइंस का एग्जाम है, तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे। पिछले साल भी मेरी आपने वीडियोस जरूर देखी होंगी और इस बार मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि भाई आप आए नहीं, आप रह कहाँ गए, तो इसीलिए उन बच्चों की डिमांड पे मैं आ चुका हूँ फिर एक और वीडियो के साथ, आप ठीक है। तो 1:30 बजे बच्चों का एग्जाम खत्म होने वाला है, हम इस वक्त सेक्टर 10 के बाहर, थोड़ी देर में जैसे एग्जाम खत्म होगा सबसे पहले आपके साथ जो सबसे पहले होनहार बच्चे होते हैं ना, सबसे ज्यादा होनहार बच्चे वो बाहर आते हैं, उनसे मिलवाऊंगा आपको, उनसे पूछेंगे कि उनका एग्जाम कैसा गया, ठीक है, कैसी प्रिपरेशन थी उनकी, सब बातें उनसे की जाएंगी। तो बने रहो वीडियो में, तो दिखाता हूँ आपको भाई क्या क्या देते हैं बच्चे, गालियां देते हैं बोल के बच्चे। हाँ ये बच्चा ये बोल रहा है इसी स्कूल में पढ़ता है 9th क्लास में और बोल रहा है कि यहाँ का स्कूल अच्छा नहीं है। देख सकते हो स्कूल के बाहर जो भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, बच्चों के पेरेंट्स जो है आ चुके हैं यहाँ पे ना स्कूल के बाहर बच्चों को लेने के लिए। वेट वाला सिक्योरिटी गार्ड आपने जरूर देखा होगा, जो जो 10 बोर्ड से जुड़े हैं उनको पता होगा। अब वो बच्चे आने वाले हैं जो कहते हैं ना सबसे पढ़ाकू बच्चे होते हैं, सबसे पहले बाहर आते हैं, तो अभी वो पढ़ाकू बच्चे आ गए। कैसे हो? सही। क्या नाम है आपका? अंजलि। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। कोई साइंस का एग्जाम था ना आपका, तो मतलब क्या क्या टॉपिक्स थे जो मेन कवर करके गए थे, वो आए उसमें से? हाँ जी। बताओ फिर क्या क्या आया था? वो आए थे जैसे कि न्यूरॉन का डायग्राम आया था, हार्ट के बारे में आया था, ब्रेन के बारे में। तो आप ये बताओ कि एग्जाम में स्कोर कितना कर लोगे? 50+। 50+ पक्का स्कोर हो जाएगा? पर 50+ ही क्यों, कितने का था एग्जाम? एग्जाम 80 का था। 80 का एग्जाम था, तो आपने तो बोला जो आपने प्रिपेयर किया था वही आया, तो फिर 50 क्यों? 50 से ज्यादा भी आ सकता है। ओके, इससे ज्यादा भी आ सकता है। ओके ठीक है, बाय बाय। तो भाई और भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। और मैं यार इसलिए आया हूँ इस बार क्योंकि पिछली बार लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, बच्चे इस बार मुझे पर्सनली काफी मैसेज कर रहे थे, यूट्यूब की हर वीडियो पे एक ही कमेंट था कि भाई आप आए नहीं, आप कहाँ रह गए। तो इसी लाइन क्या हाल है भाई? बढ़िया। कैसा रहा भाई एग्जाम? बहुत अच्छा। क्या क्या प्रिपेयर करके गए थे तुम? सारा कुछ। सारा कुछ, तो सारा प्रिपेयर करके गए थे, तो फिर तो 70 out of 70 या 80 out of 80 पक्का? 75% तो कम्प्लीट है। आएंगे? अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन पेपर खोलो, ये रहा भाई क्वेश्चन पेपर, तो ये है डायग्राम, ठीक है। ओम फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? ये ओम है ना, ओम कैसे फॉर्मूला से नहीं कर रहा था मैं, मतलब इसमें पूछा था ना कि A1 और A3 में मतलब क्या प्रिपेयर तो सब कुछ किया था, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं पता? अरे मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। कैसे हो, क्या नाम है? मानसी। मानसी है, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। अच्छा था पक्का? कितने स्कोर कर लोगे? 60-70 हो जाएंगे। जो पढ़ा था उसमें से ही आया फिर बाहर से आया? बहुत इजी पेपर था, जो पढ़ा था। ओके तो तुम्हें ऐसा कौन सा टॉपिक था वो सबसे अच्छा लगा इसके अंदर? सारे टॉपिक अच्छे थे। एग्जाम के अंदर ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जिसके अंदर फुल मार्क्स आएंगे, मतलब पता है कि भाई एक नंबर भी कट नहीं सकता? मतलब बायो की तो काफी होते, तो बायो में तो वही है कि फुल आएगा। ओके फिजिक्स भी बहुत इजी आई थी, उसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आए। चलो अभी मैंने एक बच्चे को पूछा रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? आप देख सकते हो कुछ बच्चे तो हैं काफी नॉलेज रखते हैं इस बारे में, ठीक है, और यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके फिजिक्स चुनते हैं, केमिस्ट्री चुनते हैं, ठीक है, मतलब साइंस की तरफ ही जाते हैं जिन्होंने आगे नॉन मेडिकल करनी होती है। अभी बायो वाले भी होंगे कुछ जिन्होंने बायो में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उनसे ही बात करेंगे, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हेलो कैसे हो? ठीक हूं। क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा जी ये बताओ कैसा रहा एग्जाम? ठीक, अच्छा था। ठीक ही था बस, पहले ठीक क्यों बोला? अच्छा था। कितने स्कोर कर लोगे? वो जीरो बोल गया, कितना स्कोर कर लोगे? 50 बस। चलो ठीक है, कैसा भाई, कैसा रहा एग्जाम? मजा। हो जाओगे पास? यस सर। तुम्हारी शक्ल को छोड़ बताइए क्या सीन है, क्या सीन है तुम्हारा? चलो ठीक है, कैसे हो बच्चों, कैसा हुआ एग्जाम? टफ था बट हो गया। टफ था? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एग्जाम बहुत आसान था, कुछ बोल रहे हैं टफ था, ठीक है, प्रिपरेशन के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से। अच्छा घुमा फिरा क्या था क्वेश्चन? और रिलेटेड हमने लिख दिया था, लेकिन घुमा पास हो जाओगे? स्कोर कितना करोगे एग्जाम में?
आई थिंक 50+ ही स्कोर करोगे। ठीक है, आप कितना स्कोर कर लोगे? 50+ तो बच्चे कह रहे हैं भाई 50+ तक का स्कोर जो ये कर लेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उनसे ही बात करने वाले हैं यार। ठीक है, यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जतिन। जतिन भाई कैसा रहा एग्जाम? अच्छा, बढ़िया था। तो मैंने थोड़ा भीड़ हो गया, थोड़ा उधर चलते हैं। आजा शांति रखो, शांति रखो, ओए शांति रखो, एकदम शांति रखो। किस चीज का एग्जाम था तुम्हारा? साइंस का। साइंस का था। क्या नाम है तुम्हारा? महेश। तो कौन सी क्लास में हो तुम? 10th दी। आज पास हो जाओगे? जितना करके आए उतने तो हो जाओगे। बच्चे हो तुम? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनास। धनास हर बार धनास का ही बनता है। ठीक है, ठीक है, रुको। पहले मुझे ये बताओ, लास्ट ईयर तुम्हारे स्कूल के बच्चों की वीडियो बनाई थी मैंने, किसी ने देखी थी? नहीं देखी। इस बार क्या करना? चंडीगढ़ वाला। ठीक है, तो भाई सब पास हो जाओगे ना? ठीक है भाई, ठीक है, सब बच्चे पास हो जाएंगे। बताओ बताओ, शर्मा के रहे हो? फातिमा। फातिमा कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। कौन सी क्लास में? 10th में हो ना, साइंस का एग्जाम होगा फिर तो। हाँ जी। ऐसा कौन सा टॉपिक था जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर करके गए थे और आया नहीं? हाँ बताओ। वो समीकरण वगैरह किए थे, जो किया था वो आया नहीं। समीकरण इक्वेशन किए थे वो आया नहीं। न्यूमेरिकल जो किए थे वो भी नहीं आए। तो इसका मतलब आसान पेपर था? कहाँ आसान था, आया ही नहीं। न्यूमेरिकल्स जो प्रिपेयर किए थे वो आया ही नहीं। वो बिल्कुल भी नहीं, डायग्राम्स वगैरह कुछ नहीं आया, जो हमने किया था वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो मतलब फिर एग्जाम टफ था, और वहाँ तो बच्चे बोल रहे थे कि बहुत इजी एग्जाम था। क्या पता, वो अंदर ही अंदर सोच रही हूँ टफ था। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा कैसा था तुमने नहीं बताया? मेरा अच्छा गया है। मैंने कुछ क्वेश्चन किया था आपसे, मेरे लिए जो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर के वही न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल वाला। बच्चे का नाम बताओ? अच्छा, अमर शार्क वाला। ठीक है, ठीक है, तो मतलब तुमने जो हमारा हिंदी मीडियम से? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के बच्चे, भाई हिंदी में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है साइंस, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर तुमने इंग्लिश क्यों नहीं ली? सर बस अब पहले से था तो इसलिए। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, पास हो जाओगे ना? बस फिर ठीक है, ओके। कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? काजल। धनास में रहते हो ना? हाँ जी। धनास के स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। तो यहाँ एग्जाम कैसा रहा? ठीक था। पापा तुम्हारे काफी देर से वेट कर रहे थे तुम्हारा। तो कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा, हिंदी मीडियम है। कुछ बताओ, कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करके गए थे सबसे ज्यादा? हम थे 8 चैप्टर, 4 चैप्टर जो मेन चैप्टर। नाम बताओ चैप्टर्स का, टॉपिक्स का नाम बताओ। वो था जो अमल वाला। अच्छा, अमल वाला पेपर जो प्रिपेयर किया था वही आया? अमल मतलब एसिड्स होता है ना? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। हेलो, कैसे हो? क्या नाम है आपका? मनप्रीत। पैर पे चोट लग रखी है फिर भी एग्जाम देने आए हो? यस यस। एग्जाम जरूरी है? हाँ जी। अच्छा, कौन सा एग्जाम था आपका आज? साइंस। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, हाँ जी। जो प्रिपेयर किया था वही आया? नो, नहीं वो नहीं आया। पास हो जाओगे? हाँ। पक्का? हाँ। कितने परसेंट आ जाएंगे? पता नहीं। पता नहीं, नहीं। लड़की शर्मा रही है। ये बताओ एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था, ठीक था। प्रिपेयर जो किया था भैया? हाँ, वो आया। कितने मार्क्स आ जाएंगे? आ जाएंगे 60-70 तक आ जाएंगे। पहले 70 बोला फिर कम हो गया 10 मार्क्स, ऐसा क्यों? 60-70 तक आ जाएंगे, डैम श्योर, मतलब श्योर नहीं है। अभी बोला डैम श्योर? श्योर है, तो ठीक, ठीक है, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, मतलब ठीक था पेपर, जितना पढ़ा था उतना ही आया था। ओके, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा था? वो इथेनॉल, मतलब इंस्टाग्राम। ठीक है, ठीक है, इथेनॉल वगैरह, मिथेनॉल जिसके अंदर ये सब थी, रिएक्शंस वगैरह, है ना? ठीक है, ठीक है, तो 70% स्कोर कर लोगे। हाँ भाई बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मैं अपना यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहता हूँ। बना भाई बना, सब्सक्राइब कर लो। क्या नाम है? अरमान। अरमान नाम है भाई, कर लेना सब्सक्राइब। हेलो, कैसे हो भाई? कौन से स्कूल से हो? भवन चंडीगढ़। भवन चंडीगढ़ से। किस चीज का एग्जाम था तुम्हारा? आज साइंस का था। साइंस का एग्जाम था, कैसा रहा? पेपर बहुत इजी था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसे ही इजी आने वाला था। वैसे और जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं इनको तो हमेशा ऑलवेज ही ऐसा ऐसी ऐसी थिंकिंग छोड़ दो, पढ़ने पे होता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं तो उनके भी मार्क्स आते हैं, नहीं करते
वो आपके पढ़ने पे डिपेंड कर रहा है आप कितना पढ़ रहे हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, यही सिचुएशन है। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? हर्षिक। भवन से होंगे सारे के सारे? हाँ जी सर। ठीक है, तो साइंस का एग्जाम था सबका? हाँ जी। एक ही क्लास में सब? हाँ जी सर। ठीक है, तो भाई जूस का बैग लटका के, भाई ये तो पढ़ने वाला है, ये धोखेबाज है। नहीं सर, फ्री में मिला है, फ्री में मिला है। चार बैग है, भाई जूस चैतन्य सबके बैग घूम रहे थे सब। एक एक महीने के ट्रायल सबके लिए थे क्या? इडियट का रेंच है, कहीं पर भी घुस जाता बैग डाल के। ठीक है, ठीक है। तो भाई कितने मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे एग्जाम में? एग्जामिनर को पता होगा। पास हो जाओगे? पास हो जाएंगे। ये भाई तो कह रहा है फुल आएंगे। अरे लग रहा है कि चलो गलती नहीं निकली, बाकी तो पास कंफर्म। देख भाई, मैं जब मैं पढ़ता था ना, मैं मुझे भी ऐसा ही लगता था कि आएंगे तो भूली, पर आते लास्ट में 33 ही थे। तो मेरे तो पास तो था ना, पास पास हो जाता था कभी कभी। 35 आ जाएंगे, चलो 2 मार्क्स ज्यादा। यार इनको देख के मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया और काफी अच्छा लग रहा है, मतलब बच्चों से बात करके ना, स्कूल के जितने भी हैं। तो मैं भी ऐसे ही जब जाया करता था स्कूल से बाहर, हमारे टाइम पे ऐसा कोई होता नहीं था ना कि जो हमारी यादों को कैप्चर कर सके, बट हाँ इनके टाइम के लिए मैं हूँ यहाँ पे, इनकी यादें कैप्चर कर रहा हूँ। हाँ, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद जब ये देखेंगे तो इन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ स्कूल के बाहर आए थे तो कोई आया था हमें पूछने के लिए। अमीर बच्चे हैं, एग्जाम खत्म होते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? बस ठीक है। ओह माय गॉड, मेरा घर वाले भी देखे। चलो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम डोना है। डॉन? ना डोना, डोना, डोना। हां जी ठीक है। डोना और आपका? नंदिनी। नंदिनी और डोना, हां जी दोस्ती, बेस्टी भी। और बेस्टी। तो ये बताओ कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम हमारा मतलब अच्छा हुआ, मतलब पास भी हो जाएंगे, परसेंटेज भी अच्छी आ जाएगी। बिकॉज़ हमें ज्यादा परसेंटेज अच्छी आएगी, ऑब्वियसली बात है, पास तो हो ही जाएंगे। हां जी हां जी, ऑब्वियसली बात है, पास हो जाएंगे। बट ऐसा कौन सा टॉपिक था जो सबसे ज्यादा प्रिपेयर किया और आया नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं आया। लाइक हमने डायग्राम प्रिपेयर करे थे, हमें इतना बोला गया था कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आएगा, चैप्टर 10 आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स, बट इसमें से कुछ भी नहीं आया। 13 चैप्टर में से हमने बहुत प्रिपेयर किया था, कुछ भी नहीं आया। मतलब बोला गया था डायग्राम्स आएगा, पक्का डायग्राम आएगा, बट एक भी डायग्राम नहीं आया गया। और हमारे केमिस्ट्री आई है, फुल पेपर केमिस्ट्री का आया है, आगे भी केमिस्ट्री में आता है और बच्चे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फेल भी होते हैं, ये भी बता दूं। यस यस, और हमें धोखा दिया गया है कि केमिस्ट्री में से बहुत कम मार्क्स आएगा, बट पूरा पेपर केमिस्ट्री का, एमसीक्यू भी केमिस्ट्री के ही थे। तो एक बात बताता हूँ, जब मैं एग्जाम देता था ना उस टाइम पे मैं 13 चैप्टर का भी पढ़ता ही नहीं था, क्योंकि चंडीगढ़ में ना, चंडीगढ़ के जो 13 एक सेकंड, जो चंडीगढ़ के अंदर 13 होता है ना, उसको मतलब अनलकी माना जाता है, तो मैं पढ़ता ही नहीं था, 13 को इग्नोर कर देता था। तुमने क्यों पढ़ा ये बताओ? हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारे ट्यूशन टीचर ने फोर्स किया, हमारे स्कूल टीचर्स ने फोर्स किया कि पढ़ लो, इससे परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, स्कूल अच्छा मिल जाएगा, तो हमने पढ़ लिया। हमने सब कुछ पढ़ा था, बट हमें जितना मतलब वो होता ना कि हमारे लिए डायग्राम्स आएंगे वो आएगा, बट हमारी सारी उम्मीदों पे पानी गिर चुका था पेपर देख के। भाई ये बच्चे कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं पेपर से, मतलब इनका जो इन्होंने प्रिपेयर किया था वो आया ही नहीं, पर तुम पास तो हो जाओ। हाँ, हमने इतने क्लियर अपने टॉपिक्स कर लिए थे कि हम लिख के आए हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मैंने दिखाया आपको 10 मॉडल के बाहर बच्चे थे, बट जो बच्चे थे वो थे धनास के और भवन स्कूल के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भी किसी स्कूल के बच्चे और आप चाहते हो कि मैं आपके स्कूल के बाहर आऊं आपके एग्जाम का रिव्यू लेने, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।